अपना तर्जुमान आपकी पहचान। सितंबर 2018 शिमाली उड़ीसा बिलखसूस जिला बालासोर के लिए एक तारीखी दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि 3 सितंबर सोमवार के दिन सुबह 11:40 पर उड़ीसा के हर दिल अजीज वजीर आला नवीन पटनायक जी के हाथों शिमाली उड़ीसा का एक दैरीना खाब फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तौर पर शर्मिंदा ताबीर हुआ। उनके साथ मरकजी वजीर बराए सेहत जनाब अश्विनी चौबे जी मौजूद रहे। लगभग 10 से 15 सालों की लंबी जद्दोजहद के बाद मिलने वाली इस कामयाबी की खबर मिलने के बाद से ही अहले बालासोर में खुशी की लहर पाई जा रही थी। खासकर बीजेडी के हामियों ने वजीर आला नवीन पटनायक जी के इस्तकबाल में एक रैली निकाली, तो बीजेपी के हामियों ने भी मरकजी बीजेपी सरकार के वजीर के इस्तकबाल में भी एक रैली निकाली। सुबह 11:25 पर वजीर आला हेलीकॉप्टर से मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पहुंचे। पहले उन्होंने फकीर मोहन सेनापति के मुजस्मे की नकाब कुसाई की, फिर मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। कॉलेज के वसी ऑडिटोरियम में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर आला नवीन पटनायक और मरकजी वजीर अश्विनी चौबे के साथ वजीर बराए सेहत उड़ीसा सरकार प्रताप जेना, वजीर तालीम अनंत दास, बालासोर एमपी रविंद्र कुमार जेना ने कॉलेज के तलबा और सामीन से खिताब किया। इस मौके पर सदर एमएलए जीवन प्रदीप दास, बालासोर म्यूनिसिपालिटी चेयरमैन आलोक कुमार साहू के साथ उड़ीसा सरकार और बालासोर जिला इंतजामिया के कई लीडरान और अहदेदारान मौजूद रहे। इस्तकबालिया खिताब डीएम रमेश चंद्र राउत ने किया और नायब तहसीलदार अनुजा तारिणी मिश्रा ने निजामत के फराइज अंजाम दिए, और इस तरह फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अहले बालासोर के सुपुर्द कर दिया गया। नाज़रीन ग्राम, इस वक्त हम रेमोना जो गुलाई है, रेमोना गुलाई से थोड़ा ही आगे जहां पर बालासोर मेडिकल कॉलेज की आज इफ्तिताह करने को है। आज बहुत ही खुशी की बात है, बड़े ही जद्दोजहद के बाद, बड़े ही आशा के बाद, उम्मीद के बाद आज वो ख्वाहिश, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रही है। आज ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी यहां तशरीफ लाएंगे और उनके हाथों से आज मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह होगा। आइए हम देखते हैं, बहुत सारे बीजेडी के कर्मी, बीजेडी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, बड़ी तादाद में रैली के शक्ल में और बहुत ही पैदल रैली, कोई साइकिल रैली, कोई मोटरसाइकिल रैली के शक्ल में यहां पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन को दिखाने के लिए कहूंगा कि प्रशासन की बहुत ही कड़ी जो है इंतज़ाम है और हर तरह से सुविधाएँ जो है, किस तरह पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसका पूरा भरपूर ख्याल रखा गया है। ओडिशा पुलिस की तरफ से हर तरह का इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है और वो कुछ ही पल में, यानी 11:30 तक का टाइम दिया गया है। 11:30 तक जो है हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की आमद होगी और आमद होने के बाद इस जो है बहुत ही खुशी वाली बात जो है मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताह होगी। आइए हम आपको ले चलते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो फंक्शन होने वाला है, जो चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम होने वाला है, वो आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन ग्राम, इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज के गेट्स के अंदर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज का एक शानदार बिल्डिंग आपके नज़र के सामने है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बिल्डिंग की तामीर की गई है, हर तरह से सुविधाएं यहां मोहलत कराया गया है और हर तरह से यहां फैसिलिटीज़ जो जिस तरह के मेडिकल कॉलेज में इंतज़ाम होना चाहिए, उस तरह का इंतज़ाम सुना जा रहा है कि किया गया है। और इस मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताह अभी फ़िलहाल कुछ ही देर के अंदर मैंने ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जनाब नवीन पटनायक जी के हाथों होने जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज को फकीर मोहन
जो जैसा कि पूरे वर्ल्ड जानता है फकीर मोहन सेनापति का नाम जो है कहीं पर जो है तारुफ का मोहताज नहीं है। एक ऐसा नाम है फकीर मोहन सेनापति का नाम जो बालासोर की सरजमीन में पैदा होकर पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और एक ओडिया के अच्छे कवि रहे हैं, ओडिया जबान को उन्होंने फ़रोग दिया। आज उन्हीं के नाम से फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बालासोर उन्हीं के नाम से मंसूब किया जा रहा है। सर आज नवीन पटनायक जी आसुँचे बालासोर मेडिकल कॉलेज ओपनिंग हो चुकम फिल आज आप मुझे बहुत गर्वित जे बालेश्वर जिले में बालेश्वर लोक मान गोटे एत बड़ मेडिकल कॉलेज आ हॉस्पिटल है जहाँकि फकीर मोहन सेनापति व्यासकवि नाँ से नामित है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक करकमल उद्घाटित हम आज खुशी विषय किसी ना आर्वी आठ गोटे ऐतिहासिक दिन बालेश्वरवासी जे यहाँ गोटे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हो रहा जे लोक मान जो प्रचेषा उद्यम जारी रखी मेडिकल कॉलेज पर साकार हाबाक जाऊँगी ये मेडिकल कॉलेज जैसे कार्यक्षम हो गले संपूर्ण भाव में केवल बालेश्वर नुहे मोर पड़ोसी जिला जो अच्छे मयूरभंज केउंझर भद्रक ये लोक मैंने उपकृत हे ताड़ा पड़ोसी राज्य आ पश्चिमबंग बिहार एवं झारखंड लोक मैंने ट्रीटमेंट हे तेणु आशा करी लोक मैंने समस्ते आर सुजोग नवापी समस्त आशा करी आम समस्त सहयोग करवा मेडिकल कॉलेज उत्तर उत्तर उन्नति कमी हम तेणु जिलापाल हिसाब से मो जिलावासी गर्व अनुभव कर। मेडिकल कॉलेज ओपनिंग हो चीफ मिनिस्टर आसीबे नवीन जी आसीबे केरकम अनुभव करछन्ते केरकम फील करछन्ते बालेश्वर वासी तरफ बालेश्वर एवं भोगरी वासी तरफ भद्रक वासी तरफ मु माननीय मुख्यमंत्री एवं हेल्थ डिपार्टमेंट समस्त कर्मचारी मानको एवं हेल्थ मिनिस्टर को अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करछि जे आमे दीर्घ 30 वर्ष जोटा संग्राम करि आछलु आजटा फलवती जे एक भोगरी बालेश्वर पर ऐतिहासिक दिवस ये ऐतिहासिक दिवस में आम समस्त पालन कराया लोक मान जो अकाल वियोग होता है समस्त रक्षा पड़े से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद। सर आज मेडिकल कॉलेज ओपनिंग होगा जाऊ चीफ मिनिस्टर आरकम अनुभव करमुना मंडल एम एल ए रही कौन कह आज बालेश्वर जिला एक ऐतिहासिक दिन आमर प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक बालेश्वर मेडिकल कॉलेज को लोकार्पित करने आसती समस्त समस्त मन भारी खुशी मुझे कही रखे 2009-14 विधायक थी भितर तत्कालीन स्वास्थ्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री पाखे दाबी करूँ बालेश्वर एक मेडिकल कॉलेज हो आज स्वप्न सफल हो तेणु आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद एवं बालेश्वर जिला विशेषकर मो निर्वाचन मंडली रेमणावासी को अशेष धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज की जो इब्तिदा होने जा रही है और इस मेडिकल कॉलेज की इब्तिदा के लिए हमारे ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जनाब नवीन पटनायक जी का हेलीकॉप्टर लैंड करने जा रहा है। अभी फिलहाल मेडिकल कॉलेज की जो अंदरूनी मैदान है ग्राउंड है इसमें हेलीकॉप्टर अभी लैंड कर रहा है। आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर को सीधा हमारा कैमरामैन हेलीकॉप्टर को करीब से दिखा रहे हैं। हमारे नवीन पटनायक जी आए हैं, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं काफी जो है वर्कर मैंने काफी बीजेपी पार्टी के जो मेंबरान वो यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए चीफ मिनिस्टर का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज से स्वागत कर रहे हैं, कोई शंख बजा रहा है, कोई अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, कोई गुलदस्ता लिए हुए है, हर तरह से जो है। अब मैं कैमरामैन को कहूंगा डायरेक्ट हेलीकॉप्टर को नजर बनाए क्योंकि जो है पायलट अभी उतर रहे हैं, पायलट उतर गए, मेन पायलट उतर गए, तो हमारे नवीन पटनायक जी जो है अब उतर रहे हैं। आइए हमारे नवीन पटनायक जी जो है
का वेलकम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, सम्मान्य
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଜେନାଜୀ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦାସଜୀ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି, ବିଶେଷ କରି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର, ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମେନ୍, ମେ ଆଇ ନାଉ ଇନଭାଇଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚୌବେ, ଦି ଅନରେବଲ୍ ଜୁନିୟର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ସାକ୍ଷୀରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଶହୀଦ ବାଘା ଯତୀନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମେହତା ଭାରି ମହାନ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ସେ ମାଟିରେ ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। आज भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी, कहते हैं जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भर्वती भाव अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तो अधर्मियों का नाश होता है, और जब अंधकार होता है तो तमशोमा ज्योतिर्गमय अंधकार को चीर करके प्रकाश होता है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर में अंधकार था चिकित्सा के क्षेत्र में, आज जन्माष्टमी के अवसर पर आज महाबलेश्वर में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं आप समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज के हमारे यहाँ उद्घाटनकर्ता और उड़ीसा राज्य के ऐसे विकास के प्रति चिंतित माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी यहाँ बैठे हुए, हमारे शिक्षा मंत्री और साथ साथ उद्योग मंत्री के रूप में श्री अनंत दास जी यहां मंच पर विराजमान, यहां के उड़ीसा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रताप जेना जी जो स्वास्थ्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, माननीय सांसद श्री अर्जुन कुमार सेठी जी, माननीय सांसद श्री रविंद्र कुमार जैना जी, श्री अश्विनी जी विधायक, श्री जीवन प्रदीप दास जी विधायक, श्री गोविंद चंद्र दास जी यहाँ के विधायक, श्री सुकांत नायक विधायक, और विशेष करके यहाँ के जो आज के इस अवसर पर यहाँ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप कुमार दत्त जी, यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट सुधीर कुमार घोष और सभी मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकगण, सभी छात्र छात्राएं और कर्मचारी बंधुओं, आप सबको विशेष रूप से आज के अवसर पर मैं अपनी ओर से भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की ओर से, श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आपको हृदय से बधाई देता हूँ। पूरे राज्य की जनता को, महाबलेश्वर की जनता को प्रधानमंत्री जी की ओर से
कोटिश बधाई। It was indeed the opportunity to inform the people of Mainan at Pradhanishi Mali Patnai, Pragya Pradeshini and Kirti Mansahu, MBBS students of Faqir Mohan Medical College in Hospital. May I now request on the newly invested Health and Family Welfare Dr. Sanya Ashwini Chaubeji to please felicitate Daisy Andresha Thora and Arun Gupta. Daisy Andresha Thora and Arun Gupta, MBBS students of this prestigious institute. May I also invite onto the dais Tanu Mittal and Vivek Prasad Das, followed by Uttarika Vishwa Bharati and Rakesh. May I now request the Honorable Minister Sri Ananta Das to please felicitate Tanu Mittal and Vivek Prasad Das. May I also request the Honourable Minister Shri Pratap Jena to please felicitate Utkarika Vishwa Bharati and Rakesh. Bartaman, Ama Mukhya Atithi, Manyavara Mukhya Mantri Sri Juta Navin Pattnaikam Kumu, Nivedana Paridhi, Pratanda Pagunan Pagunan. मान्यवर केंद्र मंत्री, मान्यवर राज्य मंत्री गण, मान्यवर सांसद गण, मान्यवर विधायक गण, भाइयों भोली माने एवं प्रिय छात्र छात्री माने, आप सबको नमस्कार। My congratulations to the maiden batch of students of Faqir Mohan Medical College and Hospital here in Balasore. With the opening up of this institution, a long cherished dream of the people of Balasore and nearby regions to have access to quality healthcare has come true. This institute has been named after Faqir Mohan Sedapati, as a fitting tribute to the Vyasya Kavi, who had upheld the Odia pride and in its most challenging times. It therefore gives me immense pleasure to dedicate Faqir Mohan Medical College and Hospital today to the people of Odisha. I pay my tributes to Vyasa Kavi on this historic occasion. On this occasion, I also take the opportunity to pay my tribute to the first Odia Mohan poet and Dr. Kuntala Kumari Sabai. The objective of my government in Sustha Odisha, Sukhi Odisha, several reforms and initiatives have been undertaken to ensure quality health care to all our citizens in all government health institutions. On this Independence Day, we took another historic step to provide near universal health care under Vidhu Swasthya Kalyan Yojana. The scheme will also bring smiles to nearly 7 lakh families or 3.5 crore persons in the state. With the opening of Faqir Mohan Senapati College and Hospital at Balasore, the 7th government medical college in the state, the total medical strength in Odisha has gone up from 1,050
to 1,050 from a modest 325 in the year 2000. I understand as many as 14 students who have taken admission to this college are from Balasore, and a large number from nearby districts. I trust and hope that the college will set an example by establishing as a state-of-the-art medical college, medical education institution, and in fulfilling the government to reach that resolve to ensure inclusive and equitable health care to the people of our state. Thank you very much, sir, for those extremely kind words of inspiration and encouragement and all your support. हेलीकॉप्टर उड़ने वाली है, यानी प्रवास करने वाली है आसमान की तरफ। चारों तरफ उत्साह है, लोग बड़े ही जोश और खरोश के साथ लोग यहाँ आए थे अपने वज़ीर आला को देखने की गरज से। लोगों के सैलाब उमड़ पड़ी थी, और क्यों भी ना हो, क्योंकि बालासोर मेडिकल कॉलेज बहुत दिन का सपना था, बहुत दिन का ख्वाब था, जो शर्मिंदा है ताबीर हुआ। देख रहे हैं आप, देखते रहिए कि हेलीकॉप्टर किस तरह आहिस्ते 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 ऊपर की तरफ प्रवास कर रहा है। देखिए हेलीकॉप्टर जो है प्रवास करने लगा है। आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर आसमान के बुलंदी पे उड़ रहा है। हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं किस तरह हेलीकॉप्टर आसमान पे जो है प्रवास करने लगी है। हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए आगे के सफर के लिए रवाना हो चुके हैं, वज़ीर आला मेडिकल कॉलेज से रवाना हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, आपको तमाम तर विजुअल बालासोर मेडिकल कॉलेज जो आज इसका इफ्तिताह हमारे वज़ीर आला नवीन पटनायक के हाथों से हुआ आपको दिखा रहे थे। मेडिकल कॉलेज से कैमरामैन मीर अकरम के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान बालासोर उड़ीसा।